वेल डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास थ्योरम है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्स का। तो यहाँ पर आप देखें, एज एक्सपेक्टेड प्रीवियसली डेरिवेटिव के केस में जो टी था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो डिवीजन्स के केस में क्या होना चाहिए जी? डिवाइड होना चाहिए। और इंटीग्रल केस मीन्स के डेरिवेटिव के केस में टी मल्टीप्लाई था और इंटीग्रेशन के केस में टी डिवाइड हो रहा है। और ये कंडीशन, इसके लिए एक एडिशनल कंडीशन है, और ये है कि यहाँ पर ये जो कोशेंट है एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी, ये जीरो एग्जिस्ट करना चाहिए, जीरो नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, मीन्स के फाइनाइट वैल्यू होगी। ओके जी, इसको हम प्रूव करते हैं। तो लेट करें इसके लिए हम के इसको केस बनाते हैं, कोई ऐसा रिजल्ट यूज करते हैं जो हमने प्रीवियसली स्टडी की है। तो इसके लिए हम लेट करते हैं कि जी ऑफ टी किसके इक्वल है जी, एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी। तो इट मींस कि एफ ऑफ टी क्या आ जाएगा जी, यहाँ से टी इंटू जी ऑफ टी। तो देखें जी, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया, तो देन आई यू कैन कन्वर्ट इनटू इट्स डेरिवेटिव फॉर्म। तो लैपलेस अप्लाई कर दें दोनों साइड्स पे, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी और लैपलेस ऑफ टी ऑफ जी ऑफ टी। ओके जी, और लैपलेस ऑफ टी ऑफ जी टी यू नो कि क्या होता है जी, ये हमने स्टडी किया था, -1 रेस्ट पावर, क्योंकि टी की पावर 1 है, तो -1 रेस्ट पावर 1। और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस किसका जी, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एस का, ठीक है जी, जिसको आप एफ ऑफ यहाँ पर सॉरी जी है, तो यहाँ पर जी ऑफ एस आ जाएगा, ठीक है जी, कैपिटल जी ऑफ एस आ जाएगा। ओके जी, यहाँ पर अब आप देखें कि लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है, लेफ्ट साइड पे तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी है, तो इट मींस कि ये क्या हो जाएगा, ये तो एफ ऑफ एस हो जाएगा। और राइट साइड पर क्या है जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -t/dS ऑफ लैपलेस ऑफ क्या है जी, जी ऑफ टी है। ये बस अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इनको थोड़ा सा कर देते हैं चेंज। तो देखिए जी, यहाँ से अब क्या आ जाएगा, यहाँ से अब आप क्योंकि राइट साइड आपने इंटीग्रल लेना है, यहाँ पर इंटीग्रल इस फॉर्म में लेना है, तो दिस इंप्लाइज दैट इसका इंटीग्रल अप्लाई करते हैं फॉर एस अप्रोचेस टू इंफिनिट, एस लोअर लिमिट में और इंफिनिटी अपर लिमिट में, लाइक दैट। और ये आ जाएगा जी एफ ऑफ एस और डी एस, चले आप कह दें, बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। ओके जी, अगर आप इंटीग्रल राइट साइड पे अप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये क्या आ रहा है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल, ठीक है जी, ये क्या होते हैं, ये इक्विवेलेंट टू, अगर यहाँ पर एफ है तो ये एफ के इक्विवेलेंट आ जाएंगे, ठीक है जी। इनवर्स प्रोसेसेस हैं या इनवर्स ऑपरेशन हैं, इनवर्स फंक्शंस हैं, वो वट एवर आप इसको कह सकते हैं, इनवर्स ऑपरेशंस हैं। तो इट मींस कि यहाँ से अब आपके राइट साइड पर क्या आएगा, जस्ट इसको आपने इंटीग्रल अप्लाई किया, पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, तो ओनली सर्वाइव करेगा लैपलेस ऑफ क्या जी, जी ऑफ टी, ठीक है जी। और चूंकि आपने इंटीग्रेशन की है तो, और इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो ये लोअर लिमिट में एस आएगा और अपर लिमिट में इंफिनिटी आएगा, ठीक है जी। और ये आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है जी, अपर लिमिट में देखें क्या इंफिनिटी है, तो इसको हम माइनस, तो आप लिखेंगे माइनस लिमिट एस अप्रोचेस टू इंफिनिटी और लैपलेस ऑफ जी ऑफ टी लिखते हैं, ठीक है जी। और माइनस माइनस और फंडामेंटल जो है प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस वो यूज कर रहे हैं हम, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या देगा, लैपलेस ऑफ ठीक है जी, जी ऑफ ठीक है जी टी आ जाएगा, ठीक है जी। ऐसा आपने इसको अप्लाई करना है, क्योंकि लोअर लिमिट में आपको कोई जरूरत नहीं है इसकी अप्लाई करने की, तो लैपलेस ऑफ जी ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको अब अप्लाई करें एस और टी, ओके जी। तो इसको अब अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी आपके पास, हाँ जी, इसको आप देख सकते हैं कि सिंस आपको पता है जी कि यहाँ पर लिमिट ऑफ एस अप्रोचेस टू इंफिनिटी और लैपलेस ऑफ जी ऑफ टी क्या होना चाहिए जी, ठीक है, ये तो लिमिट इसकी अगर आप अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन एस अप्रोचेस टू इंफिनिटी और जीरो टू क्या है जी, यहाँ पर जीरो टू इंफिनिटी,
और ई माइनस एस टी, बस वही लैपलेस की डेफिनेशन अप्लाई करें जी ऑफ टी और डी टी। और ये देख सकते हैं जी आप कि ये फंक्शन क्या होगा, आप खुद देख सकते हैं कि एस अप्रोचेस टू जी इन्फिनिटी हो तो ई माइनस एस टी क्या आ जाएगा, वन ओवर ई एस टी, और एस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो इट मीन्स के वन ओवर इन्फिनिटी मीन्स के जीरो आ जाएगा, तो डेट वुड बी इक्वल टू जीरो आएगा। ओके, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अब देखें जी दिस इम्प्लाइज डेट यहाँ पर ये चीज क्या आ जाएगी, अब देयर फॉर दिस इम्प्लाइज डेट आपके पास क्या आएगा जी लैपलेस ऑफ जी ऑफ टी, ठीक है जी ये चीज तो जीरो हो चुकी। और राइट साइड पर क्या है जी, और इसको ये लेफ्ट साइड वाले को यहाँ पर आप लिख सकते हैं राइट साइड पे इधर, तो एस और इन्फिनिटी, और चाहे तो आप इसको आप एफ ऑफ एक्स कह दें और डी ऑफ एक्स कह दें, ठीक है जी। और ये देखें जी लेफ्ट साइड पर क्या है, लेफ्ट साइड पर तो इज नथिंग बट द लैपलेस ऑफ जी टी, जी टी क्या है जी एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है जी। तो यही थ्योरम था जिसको हमने प्रूव करना था, और नेक्स्ट जोन सा है हम इसको इसकी क्रोलरी के तौर पे इसको इन्वर्स ऑपरेटर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो इट मींस के यहाँ से अगर आप इन्वर्स ऑपरेटर यूज करें तो लैपलेस इन्वर्स ऑफ दिस इंटीग्रल ये क्या होगा जी एस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है जी, डेट वुड बी इक्वल टू एफ ऑफ टी डिवाइड बाई टी, ठीक है जी। तो ये आपके पास थ्योरम है जी, इम्पोर्टेंट है, इसकी नेक्स्ट हम एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे।